गैजेट्स का मौसम आ चुका है दोस्तों। टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। घड़ी से हैकिंग हो रही है, आंखों पे लगने वाली ईयरफोन आ रहे, पुशअप का गैजेट आ रहा है, भाई कुछ भी। हमने भाई काफी सारे मंगा लिए और सारी एक्साइटमेंट हमने रोक के रखी है, अभी तक कोई खोला नहीं। साथ में खोलेंगे दूध का दूध पानी का पानी, लेट्स गो। सबसे पहला हमारी लिस्ट, ये देख, 3D ब्लूटूथ आई मास्क, ये आंखों को कवर करने के लिए, बट इसमें कॉलिंग भी, म्यूजिक भी, माइक्रोफोन भी। सोते सोते कौन कॉलिंग करे, तार निकल रही है। अरे बटन है इसके अंदर इंजॉइंग, ये तो कुछ अलग ही लग रहा। प्ले पॉज का बटन लगा रखा, प्लस माइनस भाई गाना ऊपर नीचे हो रहा है। ये नाक वाला भी अच्छा है यार, ये बहुत सॉफ्ट सा है, गद्दी टाइप है यार, लगा के देखिए। ओ भाई मजा आ गया, आहा कंफर्ट के मामले में तगड़ा है ये। मेरे ख्याल से ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, आप कनेक्ट कैसे करना वो फिगर आउट करना पड़ेगा। लेट तो मैं गया हूँ, बट मुझे ना दोस्तों एक बात नहीं समझ में आ रही कि अब मैं गाना कैसे चेंज करूँ, मेरे को दिख ही नहीं कौन सा बटन कौन सा वाला। नीचे थोड़ा नीचे भाई, बटन ही नहीं दिख रहा भाई, मैं सही दबा रहा हूँ कि नहीं। ये बटन, अरे चल गया भाई, चल गया। देखो रात में सोते सोते आप मोटिवेशनल गाने सुन लो, ये देखो इसमें यहाँ पे आवाज आ रही थी, बाहर नहीं आती आवाज। बटन कैसे ढूंढेगा बंदा यार। ओ भाई इसमें वो दिक्कत एक है कि अगर आपने फोन में अलार्म सेट कर रखा है, सुबह सुबह कान में टन ही बजा दिया, आप पता कैसे उठो। भाई इसमें YouTube पर गाने नहीं होते, चिड़िया की आवाज, बारिश की आवाज, वो लगा के सुनना है। आप कभी स्पेस में जाओ, स्पेस में चिड़िया की आवाज थोड़ा आएगी, तो रिकॉर्ड करके ले जाना, इसमें सुनते रहो जब नींद आएगी। अच्छी भाई इसमें मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, इसको लगा लिया मैंने, अब मैं कॉल मिलाऊं कैसे, फोन कैसे मिलाऊं। फोन मिला के दे दे यार, अब हम करेंगे बात। हेलो, क्या हाल चाल। आवाज किसी आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ ये मैं मास्क से कर रहा हूँ फोन, भाई फोन ही काट दिया भाई ने, तो आवाज तो नहीं आती इसमें, कॉल के तो काम करनी है, बट ठीक है यार, मस्ती के लिए कुछ चीज रखनी चाहिए। ये हमने अमेजोन से ऑर्डर करा 800 रुपए का। ये क्या है भाई, आहा, आपको लग रहा हो क्या उंगलियों का खेल है, ये बैक शोल्डर सब बता रहा है, ये है पुशअप का गैजेट। वो भाई आजकल 20 पैक एप्स है मेरे पास, 5G डेटा पैक डाल के डाउनलोड कर लिए थे मैंने एप्स। इसमें बता रखा है कि ऐसे यहाँ पे छेद दे रखे हैं, और इसके साथ हमको मिलता है इसका हैंडल, तो जैसे मैं रखूंगा वैसे उस तरह का बन जाए, ब्लू वाला शोल्डर का करके पता चलेगा। सबसे पहले हमको बनानी है पेट की पसलियां, ऐसे करोगे तो शोल्डर। तो मुश्किल है दोस्तों, इससे बात नहीं बन रही। मैं एक हाथ से शोल्डर बनाना चाहता हूँ और एक हाथ से मैं अपना चेस्ट, तभी तो सही बनेगा। बन गया भाई, शोल्डर्स भी बना लेते हैं भाई, 2-3 ये हमारा सबसे एक्सट्रीम पुशअप। चश्मा लाऊं मुझे वो सुनना पड़ेगा, मैं इसमें वो सुनता हूँ। भाई आरफ तेरी बारी, ऐसे ऐसे इसको और भाई ये तो कुछ गलत करा रहा है। आप कर ले, अब आ जाओ आरफ, लेट्स गो। ओह ये वैसे तो कर लिया है अरे भाई, कांग्रेट्स भाई, राउडी सीजन 69 के आप विनर बन चुके हैं। ये पुशअप की एक्सरसाइज से भी बढ़िया है कि मैं आपको एक्सरसाइज बताऊं। Laughter is the best workout. इसीलिए आपको टेक बर्नर को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। Let's go. Next, मेरे दोस्तों मैं लाया हूँ, कुछ लोगों का अपना बचपन याद आओ, कुछ लोगों का पुराना जन्म। ये पिन देख रहे हो आप, सीडी में लगता था भाई, ये यहाँ पे कसर डलती है देखो, ये आपको अपने दोस्त के बैग से चुरानी पड़ेगी स्कूल में। भाई मैं सही बताता हूँ, बचपन मेरा मैं खरीद नहीं पाया था, बंद बहुत था, अब मैं सारे अपने सपने पूरे करता हूँ। ओ भाई भाई ड्रैगन बॉल भाई, अब आएगा ना मजा, ये देख। ओ भाई अब देख लो भाई, वेंकी भाई को देख लो, ये देख लाइफ खत्म है। लास्ट तक क्या हो गया भाई, क्या हो गया, यस लास्ट मिनट में क्या करा दिया भाई। मारा तो <दो। laughs>
दोस्तों हमने काफी टाइम लगा दिया यार गेम खेलने, बड़ा मजा है। काफी सारे ऐसे गैजेट है जो मैंने सोचा टेस्ट करते हैं जो एक्चुअल काम भी आता है। ये है यूएसबी का एक्सटेंशन हब, इसमें एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी, ये वो M2 T2 A2 और सारे यूएसबी लगे। ये देखो मेरे को अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हमको 100 रुपए का मिल गया, तो मैं सोचा आपको दिखा दूं, एक्साइटमेंट हो रही। हमने वैसे सारी चीजें कनेक्ट करके देखी बट स्पीड नहीं आती, USB 2.0 तो सस्ते मत लेना, हमारी जैसी गलती मत करना। ये तो ऐसे कॉमन है बट इसमें लगाने वाली चीज हमारे पास काफी सोलह। ये है 18,000 रुपए का कीबोर्ड, भाई इसकी आवाज़ बहुत तगड़ी है। ये वाला वॉल्यूम के लिए ऐसे स्लाइडर और यहाँ पे टाइप वाइप कर सकते हो, और यहाँ पे एस्केप की जगह वन प्लस का बटन। ये विंडोज और मैक दोनों के लिए अलग, ब्लूटूथ वाला बनाना है ब्लूटूथ वाला बना दो, यूएसबी से कनेक्ट करना है यूएसबी से। पूरा भाई सॉलिड लोहे का बना हुआ, अच्छा खासा भारी और मस्त लग रहा है। कीबोर्ड तगड़ा है बट इसमें बटन को अगर मैं दबा रहा हूँ तो पूरा कीबोर्ड भी ऊपर नीचे हो रहा है, ये मेरे को थोड़ा अजीब है बट ओवरऑल कीबोर्ड चलाने में। भाई ये है RGB लाइट्स टेबल लैंप, मैं सही बताऊं ये गूगल का लग रहा है, जील लिखा है ना देखो, बट निकला गोवर्धन दास का। ये एक लैंप है जिसके अंदर एक स्पीकर भी है और एक फोन चार्जर भी, तो आप अपने फोन को ऐसे रख के चार्ज कर सकते हो, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। भाई अच्छा यार ये पता गाने के साथ बीट चेंज कर रहा है। मैं सही बताता हूँ, देखो स्पीकर तो टट्टी है और ये गैजेट में लैंप अच्छा है, चार्ज भी स्लो होता है बट कूल है, मजा आया। आप बोलोगे दोस्तों ये तो नाइट लैंप है, इसमें रोशनी होगी रात में आप सो नहीं पाओगे, तभी तो हमारा काम आता है भाई। नेक्स्ट हमारी लिस्ट पे गैजेट है, वो आप बोलोगे ये क्या लगा रखा भाई। अब मैं बनाऊ नाना पाटेकर जी की तरह वीडियो, तो ये बेसिकली एक ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर है, इसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के चप एक करके ऐसे लगाना पड़ता है। इसमें एक सुई होती है जो बॉडी के अंदर चढ़ी जाती है, इसको जब आप लगा के रखते हो तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की चेकिंग करता रहता है, ऐसे टैप करना होता है फिर ये स्कैन करता है। इसको मैं ऐसे लेके जाऊंगा, टिक टिक स्कैनिंग कम्प्लीट, अभी बता देगा कि मेरा ब्लड ग्लूकोज कितना है इस टाइम, और ये पूरी रीडिंग लेता रहता है। जो आप चीजें कर रहे हो, समझ लो आप सो रहे हो रात, तो ब्लड में जो ग्लूकोज है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने के बाद क्या चीजें आपको सूट कर रही है क्या चीजें सूट नहीं कर रही। सबसे पहले दोस्तों मैं खा के आपको दिखाता हूँ हवा, आप चेक कर लेते स्कैन डन, 106 आ गए भाई। अब दोस्तों हमको कुछ हेल्दी खाना पड़ेगा। अभी भी 106 है, तो इसका मतलब समझे आप कि अनहेल्दी को हेल्दी नहीं कर सकते। ये है हमारा नेक्स्ट गैजेट, ये पौधा जहरीला तो नहीं होता है ना दोस्तों। आपने वो पिक्चर देखी मैट्रिक्स, उसके पार्ट 5 में आ रहा हूँ। ये है दोस्तों मेरा नया टेक्निकल चश्मा, इसमें मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, लाल कलर। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मेरे को ना थोड़ी आयरन मैन वाली फील आ रही है, जार्विस के ऐसे सेंसर यहाँ पे चमक रहे हैं, मैं ऐसे पता है पूरा दिन रह सकता हूँ, बाहर निकलूंगा तो पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट वाला गैजेट आप गेस करने की कोशिश करेंगे क्या, एनविरो लाइफ, इसके साथ साफ करने वाला दिया हुआ है। इसको डालना होता है आपको अपने लैपटॉप पे, ऐसे करके डालना होता है फिर उसके बाद और फिर ये गैजेट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए बना गया, बेंजोकोमो, ये मिनरल वाटर, फ्रेगरेंस, नीम एक्सट्रैक्ट। क्यों गैजेट्स को तो डिसइंफेक्ट कर देता होगा बट आपको जरूरी इन्फेक्ट कर देता है अपनी तेज तर्रार स्मेल से, अंदर तक चला गया यार। दोस्तों ये स्मेल आप समझ पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की स्मेल है, पूरे लेदर के बॉक्स के अंदर, बट इसको खोलने के लिए हमको एक सीक्रेट इंसान की जरूरत है। How are all? Finally time आ चुका है। मेरे कॉलेज में सब मुझे हैकर बुलाते थे, दिलों अब मैं वाईफाई भी करूँगा। ये घड़ी वाईफाई की पुंगी बजा देती है, कहीं पे भी वाईफाई गया ऐसे करती है। आपके दोस्त के आप घर पे गए उसका आपको वाईफाई देगा, बस एक बटन दबाना है वो नहीं रहेगा। वैसे तो आप घड़ी से ऐसे डायरेक्ट मुक्का भी मारोगे तब भी मर जाओगे, बट ये बेसिकली मैं आपको सीधे से बताता हूँ। ये घड़ी ना दिखने में काफी ज्यादा कूल है, यहाँ पे अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, ये ऊपर नाम लिख रखा है, यहाँ पे एंटीना लगता है, यहाँ पे अप डाउन करने के लिए इस तरफ दो बटन दे रखे हैं, फ्लैश और रीसेट, और यहाँ पे फ्रंट वाला बटन। इसके अंदर एक स्क्रीन दे रखी है जिसमें चीजें बताता है, स्कैन, सेलेक्ट, अटैक,
पैकेट्स को भी मॉनिटर कर सकते हो, क्लॉक भी आप कर सकते हो एलईडी। दोस्तों हमको रेडी होना पड़ेगा ऑपरेशन, ऑपरेशन किस कौन से ऑपरेशन, हमको रेडी रहना पड़ेगा ऑपरेशन पूंजी हो जाऊंगी। यहाँ पे एलईडी का ऑप्शन है भाई, इससे देखो लेजर मारू, लेजर भाई वेंकी भाई ये बच्चे वाले हरकतें क्यों कर रहे हैं आप, हमारा टारगेट भाई वेंकी भाई, दिल को टारगेट करना भाई, बड़ी देखो इधर। इसमें अगर आप क्लॉक करोगे तो आपकी नॉर्मल क्लॉक आ जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी ये घड़ी क्या कर सकती है। पैकेट मॉनिटर पे आप जाओगे, ये आपको बताता रहेगा जिस वाईफाई पे को हम अटैक करने वाले कितने पैकेट्स इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बेसिकली बता रहा है कौन से चैनल पे ज्यादा वाईफाई यूज हो रहा है। चैनल 1 पे जैसे कि देख सकते हो 30 से 40 पैकेट भेजे जा रहे हैं, चैनल 14 पे कितने पैकेट्स भेजे जा रहे हैं। जिस चैनल पे कम पैकेट्स आ रहे हैं उसी पे स्पीड ज्यादा आएगी। ये बेसिकली एक वाईफाई जैमर सिग्नल्स ब्लॉक कर देता है, जो भी लोग आपका वाईफाई यूज कर रहे हैं सब ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे इस पे देख सकते हो वाईफाई का नाम बर्नर डेटा दिखा रहा है, और उस लैपटॉप पे भी अगर मैं खोल के दिखाऊं, जैसे ही हम अटैक पे क्लिक करें डी ऑथराइजेशन, देखो अब ये देख सकते हो आप कनेक्टेड है, वाईफाई मस्त चल रहा है, 150 Mbps स्पीड आ रही है। एक बार में सारे कनेक्शंस ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जैसे ही हमने स्टार्ट करा देखो स्पीड अब जीरो हो गई है, सारे वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गए, कुड नॉट रीच योर सर्वर्स, ये हमारा अटैक चालू है। और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा स्टॉप, कोई वाईफाई नहीं चला पाया आप। अरे स्टूडियो 1 कनेक्ट कर दिया भाई, ये देखो हैक कर लिया मैंने, सही में नहीं हो रहा है तो कनेक्ट, कनेक्टेड है लेकिन इंटरनेट नहीं आ रहा। ये तो है, इसको दबा के आप गायब हो सकते हो, मैं सिलेंडर देख रहा हूं। अरे श्लोक भाई कहाँ गए? मैं इस कैमरे से कनेक्टेड हूँ इसलिए आप देख पा रहे हो, और कोई नहीं देख पा रहा, तू देख पा रहा है मेरे को? अच्छा आपने ब्लैक जैकेट पहनी है क्या? हाँ हाँ आप नहीं देख रहे। आप कैद में जो मैकबुक है ना वो भी नहीं दिख रही।